मैं बस केले और वो लगा था, मैं कोई लंबी डोज नहीं ले रहा। पहले मैं हल्का तो होटल का खाना मार रहे हो, एक सीन पड़ गया होटल में, तभी जा होटल में खाएगा यार क्यों जी, और वो गवारेगा। हाँ जी बोलो, कुछ क्या बोलना होता है ये अपना अपना वो प्रोफाइल। आई एम आजाद खान एंड डोंट फॉरगेट टू मी एंड लिसन टू मी बट आई विल डू कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक बाय सितारों की सरकम। ओके अब अबे एक्टर हो अच्छा आई खान बोल ठीक है बोलो ऐसा कर सकते ऐसा पाएगा इधर भी करना होगा। हाँ मुझे अब देखो बोलो। I'm Arif Khan and film director as Mac is a film and Hindi bolo I'm music person. Kya bola? Hindi bolo but this is my class fellow. Mera naam Arif Khan hai aur main मैं फिल्में बनाता हूँ और एल्बम मेरी एल्बम आ रही है। इसको ऐसे रखो बना ऐसे पकड़ना पकड़ो अच्छा जी ठेला बैठ के कुछ पकड़ना। हाँ जी यह है हमारे अरिफ भाई अच्छा कभी कुछ नहीं करते बस बन जाते हैं हीरो। हाँ भाई की फाइटिंग थोड़ी किसी को फिल्म फाइटिंग कर दिया एक्टिंग भी करता करो भी वो ऐसी करता है। भाई हम तो पूरी शूट नहीं हो रही पिक्चर दूर होगी मास्टर शॉट में अब आएगी। फिर बात छोड़ दिया भाई भाई इसका हड्डी पड्डी टूट जाएगा भी ये हमारे हेलो हेलो इसका छोड़ लग जाएगी ना। अब एक एक्शन तुम भी हो। हाँ हाँ जी हाँ क्या दिखाना आता है थोड़ा दिखाओ। दोनों दोस्तों ये फाइट हिंद हो गए। अब विलन की एंट्री। हाँ विलन साहब अपने बारे में बताइए कुछ, आप विलन कैसे करें इंडस्ट्री में कैसे आए। मैं पहले आई वुड लाइक फिल्म इंडस्ट्री बट आई हैड नॉट आइडिया एंड दैट इज फिल्म मेकिंग बाई माई कैरेक्टर माई करियर। आई वुड लाइक BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बट माई ड्रीम हैड नॉट बी कम्प्लीट एंड आई थिंक दैट आई विल बी फिल्म मेकिंग वन डे एंड दैट इज क्लियर टू द लेकिन कुछ हिंदी बोलो। मैं पहले BSF में एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहता था लेकिन बस वक्त के साथ साथ मैं नहीं बन सका तो मेरा रुख एक बार बॉम्बे की तरफ हुआ एंड आई केम टू बॉम्बे। आफ्टर इन मैंने एक डायरेक्टर से संपर्क किया और मैं आई बीकेम एक्टर। वेरी गुड। और अब आप क्या करना चाहते हैं। और बॉलीवुड में हर कलाकार की तरह मैं भी अपना एक मकाम स्थापित करना चाहता हूँ। ये जैसे कि हर इंसान सक्सेस है तो मैं भी अपनी लाइफ में नाम कमाना चाहता हूँ जैसे कि हर कलाकार का ड्रीम होता है हर एक्टर का। तो अब इंडस्ट्री में जो आपने छोटी फिल्में की हैं तो उसमें आपने अब तक कितने किरदार निभाए हैं और कैसे काम किया है। मैंने जो भी करेक्टर पे ले किए हैं ऑडियंस से मुझे सराह हार्ड वर्क एंड टू बी लाइक फॉर ऑडियंस एंड आगे भी मुझे लोग लाइक करते रहे हैं लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट है। तो फिलहाल आप क्या कर रहे हैं। अभी मेरी कई फिल्में हैं जो आने वाली हैं जल्दी और बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर फहीम खान जिन्होंने मुझे काफ़ी अप्रोच किया है और काफ़ी हेल्प किया है फिल्म लाइन में। वेरी गुड बहुत अच्छा। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए। मेरा नाम आरिफ खान है और मुझे बचपन से ही फिल्में देखने का फिल्में बनाने का और फिल्मों में काम करने का बड़ा शौक रहा है। जबकि मैंने जो है अपनी होम प्रोडक्शन के बैनर तले एक फिल्म भी बनाई थी और गब्बर सिंह के चेहरे जिसमें मैं कलाकार भी हूँ लिखी भी है कहानी डायरेक्टर प्रोडक्शन प्रोड्यूशन और तुम्हारे
मतलब सारे काम करना चाहता हूँ मैं। और एक मेरी एल्बम भी आने वाली है, कुड़ी मेरा दिल ले गई, जिसमें मैंने ही उसको उसके गीत लिखे हैं और सिंगिंग की है। मतलब कहने का ये है कि डायरेक्शन और प्रोड्यूसर, लिखना, सिंगिंग करना और सारी चीज़ें मतलब मैं खुद करना चाहता हूँ और ये मुझे चीज़ अच्छी लगती है। जैसे कि कभी पुराना एक्टर था, एक क्या नाम है उसका, सारी चीज़ें रहती थी, जैसे किशोर कुमार, जैसे उनकी सारी चीज़ें रहती थी अपनी ही पर्सनल, इस तरीके से मैं चाहता हूँ। अच्छा, और अगर अगर आप एक्टर नहीं बने तो क्या बनोगे? मैं अगर एक्टर नहीं बना तो मैं कहीं सरकारी जॉब करना चाहता हूँ। वैसे मैं डॉक्टर भी बनना चाहता था लेकिन परसेंटेज कमाने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया। ये मिस्टर आज़ाद के बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर आज़ाद बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये हमारे साथ में क्लास फेलो थे और इन्हों के साथ में ग्रेजुएशन की है हमने और इन्हों के साथ में एक फिल्म भी की है मैंने। हमने सुना था कभी आप विवादों में गिर गए थे, आपके झगड़े वगैरह हुए, विवाद हुए और नहीं, वो तो एक मोहब्बत थी। अच्छा, जब दो कलाकार मिलते हैं तो तनाव तो होता ही है, तनाव तो होता ही है। और तनाव का मतलब ये नहीं कि जो है एकदम जो है हमेशा के लिए अलग हो गए। अच्छा, उतार चढ़ाव आते रहते, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, मिस्टर फहीम खान के बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर फहीम खान काफ़ी अच्छे एक्टर्स हैं और उनमें काफ़ी खूबियां हैं और वो हमारे संपर्क में आए लेकिन हम उनसे पहले इस लाइन में थे लेकिन वो जब आए तो वो हमें पीछे छोड़ गए, क्योंकि वो एक एक्शन हीरो हैं और उन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं और वो बॉम्बे भी गए हैं लेकिन वो आगे जाके बहुत अच्छे कलाकार बनेंगे, बहुत बढ़िया कलाकार बनेंगे। जैसे उनका रेस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छी लोग बाग रेस्पॉन्स दे रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, मिस्टर फहीम खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? फहीम खान एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और आई डू होप एंड दैट इज़ माय फ्रेंडशिप एंड मिस्टर फहीम खान एंड आई एम एंड मिस्टर फहीम खान। अच्छा, मिस्टर फहीम खान का आपकी लाइफ में क्या सहयोग रहा, क्या आपका उनका क्या क्या रहा आपका? देखिए, हर सहयोग बताया नहीं जाता, जो दोस्त होते हैं उनका सहयोग क्या, बस वो तो एक उनकी दोस्ती है कि हमारे साथ हैं, ये उनका प्यार ही उनका सहयोग है। और जो दोस्त हेल्प करते हैं तो ये कोई वो बात नहीं होती, वो तो ये उनका हम पे हक है और हमारा उन पे हक है कि वक्त के साथ साथ एक दूसरे के काम आते रहें।